हेलो जी भाई, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब लोग भाई, मैं हूँ मस्त। आज गाइस ब्लॉग शुरू कर रहे हैं भाई रस्ते से, तो कारण बता दो आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करने का क्या कारण है भाई? आज बर्थडे है भाई का, मतलब मेरा नहीं है, भाई के भाई का, हमारे बड़े भाई का, सबसे बड़े भाई है हमारे, सटी का भाई। तो भाई का बर्थडे है और आप सबने पहचान लिया होगा, ये अपने निखिल भाई हैं। आप लोगों ने एनिवर्सरी ब्लॉग में देखा होगा। और बाकी गाइस अब हम लोग जा रहे हैं भाई रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट में करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट। बाकी हम भी फैमिली है, बाकी गाड़ी के अंदर बैठी है और भाई लेके आया अपनी नई गाड़ी, और चलते हैं और मिलते हैं। चलो भाई, मम्मी के साथ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अपनी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। भाई बहुत मजा आने वाला है, देखना। ए खाली अपनी फैमिली के लेके और फोटो शूट कर लेते हैं और बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, दोनों का एक साथ हो जाएंगे। एक तीर से दो शिकार, दो शिकार। तो अपने साथ भाई पापा जी भी तैयार हो चुके हैं, क्या मस्त लग रहा है? नहीं भैया, एकदम मस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भाई का बर्थडे, भाई ये तो भाई धन्नो तैयार हो रही है। धन्नो धन्नो भाई, हमने निखिल भाई जो है ना बहुत ज्यादा मस्त वाले हैं, तो ये कुछ इस तरीके से मजाक करते रहते हैं, तो दिल पे मत लेना भाई की बातों कभी भी, ठीक है गाइस? तो अभी हम लोग बताया था अभी फोटो शूट होगा, तो फोटो शूट में आपको नहीं दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा हम केक कट करेंगे, केक कट करने का थोड़ा एंजॉय करेंगे भाई। गाइस दिल तो बच्चा है लेकिन दिल बहुत अच्छा है, समझो बच्चे हैं पर अच्छे हैं। रेडी है सभी लोग, चलते हैं। तो क्या हाल हमारी फैमिली के? बहुत सभी लोग रेडी हैं और जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और एनिवर्सरी कुछ फोटो क्लिक करने के लिए। आइए भाई, आइए। इसका क्या मकसद है भाई? चीन टपाक डम डम। लोग मिलो मम्मी से, और भाई मम्मी रेडी वेडी हो चुकी हैं। तो भाई मम्मी को पहले एनिवर्सरी पे तो मिला नहीं पाया था अच्छे तरीके से, इस बार मिला देता हूँ। तो मम्मी कुछ एनिवर्सरी का बताओ, तुम्हें जब उस समय करी तो उस समय कैसा लगा था? सही लगा था। और अभी भाई का बर्थडे दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो पाजी तुम कुछ कहना चाहोगे? धन्नो 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 भाई, आ जाओ। चलो भाई, बाकी सभी लोग पहुंच रहे हैं भाई, मतलब हर्ष उद्यान है भाई रिजॉर्ट, भाई काफी अच्छा है मतलब कि लोकेशन के हिसाब से। तो निखिल भाई कुछ लोकेशन के बारे में कुछ
जानकारी दे दूं भाई, जिसको भी करवाना हो ना ऐसी लोकेशन में आओ यार, हमसे कांटेक्ट, हमसे कांटेक्ट करो और हम कराते हैं। देखो मैं आपको हॉल भी दिखा देता हूँ, चलो चलते चलते भाई। गाइस ये रहा हॉल, बट हम लोगों ने भाई अभी नहीं बुक कर रखा। जिस टाइम पे मम्मी की एनिवर्सरी थी उस टाइम पे इसमें एक मुस्लिम प्रोग्राम था, तो इस चक्कर में हमने फिर सोचा सही नहीं लगता है बुक है, तो चलो तुम्हारे चलो इसमें दिखा देते हैं ऑडियंस को। ये अपनी दिल से करीब जनता है जिन्हें मैं दिखाता हूँ सब कुछ, ऐसे ही नहीं घूमता मैं हर जगह। बस तुम लोग दिल से कंटेंट लेके आते हैं, तुम्हारे लिए वीडियोस बनाते हैं, बस तुम लोग दिल से जुड़े रहना, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत बहुत आगे तक, अपनी फैमिली के साथ तुम्हें भी लेके। गौजी आजी बोलो जिंदाबाद। देखो क्या कर रहे हो, कहाँ चल लो, देख लो भाई गाइस ये यहाँ पे चल रही है, फोटो शूट हो रही है। वो देखो भाइयों को, दो कबूतर ऊपर बैठे ऊपर चारियों पे चढ़ गए उड़ने वाले। ये बीजेपी का नेता बनेगा बहुत बड़े, देख रहे हो ना तुम, देखो कैसे दिख रहे हैं दोनों कबूतर। ये बोलो अम्पो, ये हमारे कैमरामैन भाई रसगुल्ले बन रहे हैं आज पूरे के पूरे, देख रहे हो पेट कहाँ जा रहा हो, छठा महीने से भी आगे चल गए, ग्यारहवां चल गए, बोलो 2 महीने फालतू हो गए। ये हमारे विकास भाई चढ़ लिया फोटो शूट के लिए, देख रहे हो गाइस मतलब शूट चल रहा है पूरा तगड़ो, काम से न लेने की। सो गाइस मौसम मौसम ले चूली, ये दोनों बात कर रहे हैं, सावन को पानी, देख रहे हो ओम को बैकग्राउंड से आगे बातें साथे चल रही इनकी। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफी मस्ती चल रही है, काफी अच्छा फील हो रहा है। और गाइज मैं आपको सही बात बताऊं, इस लोकेशन में आके अगर आप शूट करते हैं अपने फोटो शूट करवाते हैं मजे लेते हैं तो काफी अच्छा, मतलब मैं सीधा सीधा कहूँगा गाइज काफी अच्छी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है हमारा। आप देख सकते हैं कैसे हमारी शूट वगैरह सब कुछ चल रहा है, काफी मस्ती चल रही है, सबके सब इंजॉय कर रहे हैं। वो देखो साइड में खड़े होकर भी उसको कोई बोरियत नहीं हो रही है, अपनी मस्ती में मस्त है। और ये गाइज हमारे पीछे पड़े पड़े हैं, इनको तमीज ही नहीं है, काम करने में लगे पड़े हैं अपने। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको इसी लोकेशन पे आना है जस्ट हमें एक बार हमें बताइए, बोलो कि हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हमारा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, कमेंट कीजिए आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो गाइज देखिए कैसे मस्ती चल रही है पूरी फैमिली की, देख सकते हैं पूरी पूरी फैमिली कैसे लगी पड़ी है, एक के ऊपर एक गिर गए। सो गाइज अब हम सभी लोगों से पूछते हैं उनको कैसा कैसा फील हो रहा है, तो हमारे विकास भाई से पता करते हैं। हाँ विकास भाई आपको कैसा फील हो रहा है, गर्मी तो हो रही है बट गाइज मैं सही बता रहा हूँ फोटो कुछ इस कदर आ रहा है, इस कदर आ रहा है जैसे कि हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग लाइक कर देना। और आप लोग सब लोगों को पता है मेरे इंस्टाग्राम पेज का क्या नाम है बता दो, आई विकास हंस, विकास हंस ब्लॉगर। और बाइक भी ले लिया, बाइक पे भी नंबर डलवा दिया, हंस 0001, इसे कहते हैं विकास भाई अलीगढ़ी कहते हैं। तो भाई सबसे मजे लेते हैं, सबके साथ पता करते हैं कैसा किसको किस फील हो रहा है। तो हमारे सुनील सर आज आपका बर्थडे है और आप यहाँ पे आई हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है। तो भाई पापा के मजे लेते हैं, हाँ जी पापा जी आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ, अच्छा लग रहा है, पक्का लग रहा है, वेरी गुड, दिल गार्डन गार्डन दिल गार्डन गार्डन में होने के बाद दिल गार्डन। जब मम्मी से पूछते हैं जो कि हमारी अनारकली का रोल कर रही है, तो मम्मी बताइए आपको सलीम से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मम्मी का दिल भी कह रहा है मम्मी गार्डन गार्डन हो गए। तो एक जनी हो रहे हैं हमारी, लेकिन वो फोटो शूट में बिजी है, उससे आप मिल सकते हैं, वो बैठी। तो मिसेज मुस्कान जी आपको कैसा फील हो रहा है हमारी इस वीडियो? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो कह रही है मैं शूट ही करने में रहेगी, फोटो सबसे ज्यादा नहीं की है गाइज मैं पहले ही बता दूं आपको। बाकी एक बंदी वो खड़ी है पीछे, उसे कोई मतलब नहीं क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब वो दुनिया से अलग, वो कुछ इस कदर है जैसे ना जैसे चश्मा लगा के देखते हैं ना, बस हमें लगना चाहिए कि हमें को देख रहा है, पर लोग उन्हें नहीं मालूम, बट ना तुम लोगों को चश्मा लगा लिए क्या कर रहा है, मेरे को मालूम है ना क्या देख रहा हूँ, कुछ इस कदर चल रहा है इनका सीन, चल रहा है। देखिए हाय हाय हाय, इतनी गर्मी में साड़ी, इनको साड़ी पहनने का भी दुख है गाइस। तो चलिए गाइस लोग पानी भरवा दिया है पूल में, और यहाँ पे भाई बर्थडे सेलिब्रेट, बट ये ना पहले से बुक है, छोड़ो मजा आ रहा है, नहीं इसी में लाने वाले हैं, जाओ जल्दी कुंज जाओ कपड़े उतारो, डिम डमाक दम डम, बस थोड़ा खाना पीना हो जाए उसके बाद। ये देखो गाइस
ये भाई ओहो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फाइनली गाइस हम लोगों का फोटो शूट होने के बाद अपना खाना पीना लग गया है, तो क्या कहना चाहोगे निखिल भाई, पसीने को ज्यादा ही है? बस ये कहना चाहूंगा अब नहीं रहा जाता। तो अब तो एसी में चल गई तू, तो चलो भाई कुछ लोग अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए गए, और जब तक हम लोग खाना पीना देखते हैं। आओ भाई बैठो। निखिल भाई खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है? खाने में तो बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया, एक तो मैं मैजिक ऑर्डर करता हूं, देख चम्मच देख रहे हो इतना है खाली, ये इतना यहां तक आ रहा है। और बाल्टी देख सकते हो कितनी बड़ी है, बाल्टी बाहर से लगाना, बाल्टी के बाहर से देखो तो ये तो 14 की आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है, और ये यहां है यही देखो। और बाकी भाई हमने मंगाई है वेज बिरयानी, बाकी कुछ रोटी हैं, कुछ बटर नान हैं, और है यहाँ का हंडी पनीर और शाही पनीर, दम आलू, और है ये दाल मखनी देखनी पड़ती यार, और ये यहाँ का सैलेड है, चटनी है, बटर अलग से दे दिए हैं, और पानी मैंने दिया नहीं दिया? हाँ पानी ये रहा, पानी ये रहो भाई, ये रहो बोतल रख। तो अभी फैमिली आ रही है भाई, फिर आके खाना पीना खाते हैं, और फिर हम तो इतने सैलेड खा लें कर दीना मांग रहे हैं आके से। खिलाओ 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 बस, अरे इतना बहुत है। हाँ हाँ बिल्कुल। Happy birthday. बोलते रहो बोलते रहो, जो भी कुछ बोलना। कच्चा पनीर हो भाई, कच्चा पनीर दूध में तो निकला, कच्चा पनीर दूध में से निकला, कच्चा पनीर। छोरा को जन्मदिन मना भी आया हम सबरे, सही लग रहा हूँ, छोरा को जन्मदिन मना भी, मैं फोटो खींच पे आऊ, गरीब आदमी ये भाई। चाचा है, चाचा आई लव यू, जे हाँ जे हमारी गुड़िया है, ये हमारी आंटी है, ये वहाँ छोरा है, ये छोटा छोरा बहुत नाटक सो है। फाइनली गाइस खाना पीना खा लिया, तो छोड़ भाई खाना पीना कैसा था? आई लव यू।